खैरियत बेटा? इस वक्त टेरेस पे बैठी हो? हाँ जी, बस ऐसे। तुम्हें वो जावेद की बहन की मेहंदी में नहीं जाना? जाना है बाबा। तो बेटा देर हो रही है उसको तो। जी बस, वो टाइम का अंदाजा ही नहीं रहा मुझे। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तुम कुछ उलझी उलझी लग रही हो। बाबा मैं आज वाकई कंफ्यूज्ड हूँ। क्या जावेद से कोई बात हुई? बात तो नहीं हुई, लेकिन बेटा अगर इस लेकिन से आगे कोई ऐसी बात है जिसका तुम्हें यकीन नहीं है तो बेशक मुझसे शेयर ना, लेकिन यकीन और बेयकीनी की जंग में बदगुमानियों को जीतने मिलते हैं। हम कभी कभी किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हैं, जितना सोचते हैं उतने ही ज्यादा अंदाजे कायम कर लेते हैं। जब वो अंदाजे हमारी मर्जी के बरक्स निकले तो बहुत तकलीफ होती है। बाबा परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है तो फिर जल्दी से उठो और जाके तैयार हो। जी बाबा, जाना है मुझे, मैं तैयार होती हूँ। सुनो, ओ क्या हुआ? मेरी आंख में कुछ चला गया, देखना। कुछ भी तो नहीं है। हाँ नहीं है, निकल गया होगा शायद। हाय, कब आई तुम? I'm so sorry, मैंने तुम्हें देखा नहीं। काफी मसरूफ लग रही थी तुम उस वक्त। हाँ मसरूफ तो मैं बहुत। वो जावेद ना जरा जरा सी बात के लिए मुझे आवाज देता है। And you know what? I'm so sorry, उस दिन मैं तुम्हें कॉल बैक नहीं कर सकी, कॉल पे सही से बात नहीं कर सकी। वो जावेद मुझे फोर्स कर रहा था मैं उसके साथ मार्केट जाऊँ। I just hope तुमने माइंडफुल किया बस। हाय मरियम, कैसी हो तुम? ठीक। यार यू आर लुकिंग गॉर्जियस, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। उफ अल्लाह, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? हाँ कर लेता हूँ, बिला तुम थोड़ी देर अंदर आओगी? श्योर, चलो। क्या हुआ? बिला वो मामू का फोन कहाँ पड़ा है? वो मांग रहे हैं। वो कोई कमरे में वहां से जाके देख लिया। दिमाग खराब हो गया उसका, हर बात पे हुक्म चलाने लगा है। वैसे तुम्हारी मोहब्बत ने बहुत बदल दिया है जावेद को। मतलब ये कि बहाने बहाने से बुलाता है मुझे। तुम्हारी मोहब्बत है ना, बहुत बदल दिया उसने। वैसे जावेद पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक्सक्यूज मी, आप
नहीं आई थी। अच्छा यहाँ से सामान वामान हटा लेना और लाइटें वाइटें सब देख ले। अरे जावेद तुम अभी तक यहीं खड़े हो, कपड़े बदलो जाकर, देर हो रही है बेटा। जी अम्मी कह रहा हूँ अभी जाओ। जल्दी करो जल्दी करो। जावेद मुझे बाबा मैसेज के फोन पर बुला रहा है, मैं देख के आती हूँ। सब ठीक तो है ना? तुमने मेरे प्यार को सबके सामने ठुकराया था ना, मेरे बचपन के प्यार को के सामने ठुकराया था ना। आज तुम्हें मुझे सबके सामने एक्सेप्ट करना होगा। क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया तुम? बचाओ! क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? थप्पड़ मार दूंगा, हटो यहाँ से, पीछे हटो। थप्पड़ मार दूंगे? तुमने मेरे साथ इससे कहीं गुना ज्यादा बुरा किया है। बचपन से मैंने तुम्हें प्यार किया, क्या नजर आया तुम्हें उसमें? मैं तुम्हें कह रही हूँ उसे छोड़ना होगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, तुम उससे शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम ये सब कुछ मेरे साथ। अच्छा 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 रिलैक्स, अच्छा ठीक है, मैं अपने सेंसेस में नहीं थी, गलती होगी मुझसे, सॉरी सॉरी, रिलैक्स। जावेद तुमने ये क्या किया है? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो जावेद? तुमने अपने हमारे रिश्ते का ख्याल नहीं किया। अम्मी 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 हो रहा है सब कुछ देख लिया आपने, आपका चहीता जावेद बिठा ले अब अपनी बेटी को घर में, रख ले इसको अपने साथ। मैं तो चाहिए तुम्हें, भाई
भाई चाहिए तुम्हें। प्लीज मैं हौसला करे। ये सब क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं था, जावेद तो ऐसा नहीं था। जब आपको इतना यकीन है कि भाई ऐसे नहीं है तो फिर आप रो क्यों रही हैं? अरे क्या इज्जत रहेगी सबके सामने? तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचते होंगे, तमाशा बन के रह गया। उन सब ने वही तमाशा देखा है जो उन्हें दिखाया गया है। कि तुम कहना क्या चाह रही हो? अम्मी जावेद भाई ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानती हूं बेला का रवैया जब तब्दील हुआ था तो अम्मी भाई ने सिर्फ आपकी खुशी की खातिर उसकी पिछली तमाम खताएं माफ कर दी थी। आंखों से देखा है, आंखों से देखा, कैसे झुटला दूं? हाँ तो आपने वही देखा है ना जो आपको दिखाया गया है। आपको क्यों समझ नहीं आ रही कि बेला ने भाई को नीचा दिखाने के लिए सबके सामने तमाशा किया? अम्मी नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी लड़की ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अम्मी बेला कर सकती है ऐसा। बस दुआ करें जावेद भाई अपने खिलाफ होने वाली इतनी बड़ी साजिश बर्दाश्त कर पाए। मम्मी ऐसे मत रोए, भाई ने कुछ नहीं किया है। मुझे सच सच बताओ कि ये सब कुछ वाकई जावेद ने किया है? ये कैसा सवाल है अम्मी, क्या बात कर रही हैं आप? चाहे वो लड़का नमक हराम है या एहसान फरामोश, लेकिन बेगैरत नहीं है। जिस लड़के ने कभी तुम्हें आंख उठाकर देखना पसंद नहीं किया वो इतनी बड़ी जुर्रत कैसे कर सकता है? अम्मी क्या हो गया आपको? सब कुछ तो आप लोगों के सामने हुआ है। क्या मुझे शौक है? क्या मुझे शौक है मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम गई क्यों उसके कमरे में? उसने मुझे बुलाया था, उसने मुझे कहा था, उसने मुझसे बात करनी। आप चाहे तो बूझ ले बाय, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, उसने मुझे खुद बुलाया था। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, सबके सामने रुसवाई हो गई हमारी। वो वापस नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बाप उसको इस घर में पांव भी रखने देगा? तौबा तौबा, कैसे घटिया लोग निकले। शानी तो बड़ा कहता था मेरा सौला बड़ा पढ़ा लिखा, ये थी पढ़ाई। तौबा। रहने दे अम्मी, जितने लोग आए हुए थे ना सब बातें कर रहे थे। क्या सोच रहे होंगे कि हमने अपने भाई का रिश्ता किस खानदान में कर दिया? और नहीं तो क्या, इतना अच्छा फंक्शन चल रहा था, सब बेमजा हो गया।
वैसे मेरा तो ख्याल है आंटी को चाहिए कि आइंदा कभी इस लड़के को ना अपने घर में ना घुसने दे। अरे वो रोके ना रोके, लेकिन उनका भाई इस लड़के को अपने घर में घुसने नहीं देगा। बात तो सही है, वैसे बड़े घटिया लोग हैं। समझ ही नहीं आया मुझे कि किया क्या ना। मुझसे भी सभी पूछ रहे थे, मैंने कहा भाई माँ बहन का क्या कसूर है अगर उनका बेटा ऐसा निकला तो। और नहीं तो क्या, मेरी सारी सहेलियां कह रही थी ये कहाँ रिश्ता जोड़ दिया तुम लोगों ने अपने भाई का। लोग बातें सहेलियों की कर रही हैं, पूरा ससुराल मेरा बातें बना रहा था। आपको तो पता है उन्हें तो मौका चाहिए। वैसे एक मैं बात बताऊं तुम्हें राफिया, एक लम्हे को मेरे जहन में भी आया कि अभी चुपके से मैं निकल जाऊं। हैं? फिर मैंने सोचा कि सामान भेज दिया, अपार्टमेंट उसके नाम करेंगे, और सबसे बढ़कर शानी की मोहब्बत है ना, वो नहीं मानेगा। अरे शानी की बातें रहने दे, उस वक्त शानी इतने गुस्से में था, वो तो कह था मैं ऐसे साले का तो मुंह ही नहीं देखूंगा जिंदगी भर। मैंने भी शुक्रिया अदा कर दिया। अरे भाई जल्दी करो, सुबह बारात है, 100 झंझट है बारात के भी। बस अम्मी हो गए। तुम्हारी मोहब्बत ने बहुत बदल दिया है जावेद को, बहाने बहाने से बुलाता है मुझे। तुम्हारी खुशी मेरे लिए भी सबसे ज्यादा अहम है। देख लिया आपने, काश मैं सब कुछ देखने से पहले मर गया होता। आपको क्या लगता है हमारी बेटी की जो आज रसवाई हुई है उसका दुख सिर्फ आपको है मुझे नहीं? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ नुसरत। क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं? हौसला रखें, अगर हम हौसला हार देंगे तो हमारी बेटी की जिंदगी नासूर बन के रह जाएगी। जावेद ने मेरे एतमाद को रेजा रेजा कर दिया। मत ले उसका नाम, काश उसको थप्पड़ मारने के बजाय उसको जान से ही मार दिया होता आपने। कैसी बातें कर रही हो, बेटा समझा है मैंने उसे हमेशा। इसीलिए तो आपके एतबार को उसने धोखा दिया। काश मैंने सालेहा को उसके घर चले जाने से न रोका होता, आज मुझे कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग, लगता है हमारी बच्ची बहुत थक गई थी जो इतनी देर में आंख खुली है। जी बाबा। Is everything okay? जी बाबा। अच्छा, तुम्हारी आंखों से लग नहीं रहा। वो बस रात में नींद ही नहीं आई मुझे। हमें कब जाना है? आज नहीं जा रहे हम। क्या मतलब? वो मैं उन्हें कल कह आई थी कि हम शादी पे नहीं आ पाएंगे। बेटा हम दोनों को साथ जाना था, जावेद ने इतना इंसिस्ट किया था। बाबा कोई बात नहीं है, हम नहीं भी गए शादी पे तो शादी हो जाएगी। ओके as you wish, चलो नाश्ता करो, अगर हम चाय डाल। राफे ठीक है? प्लेशन बहुत अच्छा लग रहा है अम्मी, दूसरे वाले पे भी लगा लें थोड़ा सा। अरे आप अभी तक बाल घुमा रहे हैं, आप लोग रेडी क्यों नहीं हुए अभी तक? बस हो रहे हैं भाई। तैयार तो हैं और क्या करें, मेरा दिल वैसे आज बहुत घबरा रहा है। क्यों भाई, क्यों घबरा रहा है तुम्हारा दिल? मैं तो कह रही हूँ कुछ लोगों को ना माइनस कर दो, पता नहीं क्या होगा, कहीं जो कल हुआ वो आज रात को ना हो जाए ना। कैसी बातें करती हैं यार आप, कैसे कुछ लोग माइनस कर दूं?
किसी को भी मना करूंगा तो उनको बुरा लगेगा ना, बुरा लगेगा ना उन्हें। ठीक कहता है शानी, अब मेहमानों को मना तो नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर फिर कोई बदमस्ती हो गई तो? तुम्हारे मुंह से तो कभी ना जिंदगी में कभी भी कोई सही बात नहीं निकल सकती है। जैसा मुंह है तुम्हारा वैसे ही बात करना हमेशा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला जी खैर करेंगे, अच्छे से सोचेंगे मेरी शादी। आप लोग प्लीज जल्दी तैयार हो जाए, मैं खुद तैयार होने जा रहा हूँ। माँ सर तैयार, तुम मेरा जोड़ा लाइयो कि नहीं? तुमने प्रेस किया? जोड़ा मैं ले आई हूँ, प्रेस भी कर लिया। मैंने कह दिया है कि हानिया की शादी में हम में से कोई नहीं जाएगा। हानिया बेटी है इस घर की नुसरत। जावेद को भी आप अपना बेटा ही समझते थे ना? कसूर जावेद का है, हानिया या सालिया का नहीं है। क्या हो गया आपको? आपको अब भी अपनी बेटी पे रहम नहीं आ रहा? नुसरत मेरे दिल पे जो गुजर रही है मैं खुद जानता हूँ, लेकिन हानिया को मैं अपनी बेटी समझता हूँ और मैं उसे अपनी दुआओं के साथ रुखसत करूंगा। जो कयामत हम पर उनकी वजह से टूटी है, आपके पास उनके लिए अब भी दुआएं बाकी रह गई हैं? मैंने कहा है कि जावेद का कसूर है, हानिया का नहीं है। कसूर? गुना है गुना, मेरी नजर में गुना की कोशिश करना भी गुना है। प्लीज बस करो। मुझे तो चुप करा लेंगे आप, लेकिन लोगों की जबानों को कैसे रोकेंगे? जब आप हानिया की शादी में जाएंगे तो लोग क्या नहीं कहेंगे आपको कि क्या कुछ हो गया आपकी बेटी के साथ, लेकिन अब भी आप अपनी बहन की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। काश तुम मेरे दिल की हालत जान सकती हैं। तुम तो चीख के अपना गुबार निकाल लेती हो, मैं कहां जाऊं? बस फैसला हो गया कि हम में से कोई शादी में नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा, एक बेटी के दुख में मैं दूसरी बेटी के सुख को नजरअंदाज नहीं कर सकता। नजरे बस से बचाए। मेरी बच्ची कितनी हसीन और प्यारी खूबसूरत लग रही है। अल्लाह पाक मेरी बच्ची को कितनी खुशी अदा करे कि हर कोई रश्क। आपकी दुआएं मेरे साथ होंगी तो कोई तकलीफ कभी मुझे छूकर भी नहीं गुजरेगी। बेटा ससुराल ही तुम्हारा घर है, अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो बर्दाश्त कर लेना। मैं ऐसी मां की बेटी हूं अम्मी, जिसने सारी उम्र सबर और बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। और यही नसीहत मैं इस घर से अपने साथ लेके जा रही हूं। जीती रहे मेरी बच्ची, जीती रहे। अम्मी भाई नहीं आए? किस मुंह से आएगा? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था भाई की दुआओं के बगैर इस घर से रुखसत होंगी। उसने तो इतना बिना सोचा कि आज का दिन तुम्हारी जिंदगी के लिए कितना अहम। हमें एक बात कहूं, भाई अगर घर वापस आए तो उनकी एक बार बात जरूर सुन लेना। अगर उसने कुछ कहना होता तो चाहते हैं क्यों? Thank you.
अरे राफिया, भाई किसी ने अपार्टमेंट की बात ही नहीं की। मैं हो सकता है वो सोले आंटी ने शानी से बात की हो ना। नहीं भाई, शानी को बताया होता तो वो मुझे बताता ना। हो नहीं सकता। हाँ ये भी है, हो सकता है हानिया ने उसको रात को कमरे में गिफ्ट करे, कागजात तो उसी के पास होंगे। हाँ ये भी हो सकता है। वैसे तुमने हानिया की ज्वेलरी देखी है? हाय अल्लाह अम्मी, इतना भारी सेट पहना था उसने, हमारा वाला सेट तो उसके सामने कुछ लग ही नहीं रहा था। अरे रहने दो, वो पार्लर चलाती है, उसके पास हैं इतने पैसे, पहन सकती है ऐसी। हम ठहरे सफेद पोश लोग, हम कहाँ से लाएं भाई इतना पैसा और इतनी भारी ज्वेलरी। वैसे अम्मी, शादी के बाद हानिया क्या काम वाम करेगी? तौबा करो, शानी कभी भी इजाजत नहीं देगा। क्यों? खैर वैसे आप शानी से कहिए कि हो गई शादी वादी खत्म, अब जरा काम धंधे पे ध्यान दे। मैं तो बहुत कहती हूँ भाई, लेकिन वो मेरी बात माने तब ना। करेगा अम्मी, अब बीवी जो आ गई है सर पे, जिम्मेदारी है ना। जरा वलीमा निमट जाए तो फिर आप उसको लेके बैठे और सुकून से बात करें। चलो भाई ये सब इकट्ठे करो और सुबह लॉकर में रखवा देना। मेरे ससुराल वाला सेट कहाँ है? इन्हीं में है भाई, नजर नहीं आया तुम्हें? तुम? मैं कहां जाऊंगा आपको छोड़कर? मैं तो बस आपके गुस्से को ठंडा होने का इंतजार कर। तुम्हें पता है हानिया तुम्हारा कितना इंतजार करती रही, उसकी आंखें तो आखिरी वक्त तक तुम्हारा रास्ता देखती रही। बेटा जी मैं उससे मिलने जाऊंगा। अब तो छोड़कर नहीं जाओगे ना मुझे? नहीं अम्मी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके पास रहूंगा। मेरे बच्चे। अम्मी आप रोए नहीं, आप अपने आंसू साफ कर लो। मैं रो तो नहीं रही बेटा, बस ये तो तुम्हारे जावेद, 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 आज मान गया मैं, लगन सच्ची हो ना तो मंजिल मिल ही जाती है। इतना डर लग रहा था मुझे, हर पल ऐसा लगता था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि तुम दूर हो जाओ मुझसे। लेकिन मुझे पूरा यकीन था जो शख्स इतनी शिद्दत से चाहता हो उसे कभी कोई दूर नहीं कर सकता। बस अपने यकीन को ना यही काम, फिर देखना लोग कितना चलेंगे हमसे, रश करेंगे हमारी मोहब्बत पर, किससे जुड़ाएंगे हमारे। इस मोहब्बत में कभी कोई फर्क ना आने देना, मेरा यकीन भी कभी नहीं टूटेगा। कभी नहीं आने दूंगा ये, मैं तुम्हारे लिए लेके आया। फिर पता है इसको लाने के चक्कर में कितना कंफ्यूज रहा मैं। पहले एक ब्रेसलेट पसंद आया, सोचा वो ले लेता, फिर सोचा कि नहीं इयररिंग्स लेता हूँ, फिर एक नेकलेस भी अच्छा लगा। पर फिर याद आया कि हर अच्छी या बुरी फिल्म में ना हीरो हमेशा इस सिचुएशन में हीरोइन को रिंग ही देता है,
तो सोचा इस ट्रेंड को फॉलो करता हूँ और मैं ये ले आया। अब अच्छी लगी? बहुत ज्यादा। बस अब तुम देख, ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी प्यार की गाड़ी यूं ही चलती रहेगी। गाड़ी से याद आया, सब कुछ आ गया, गाड़ी नहीं आई अभी तक, बाद में आ रही है, बुक कराई है, शायद लेट मिलेगी। शानी, गाड़ी का इरादा नहीं था इसलिए ली नहीं। किसका इरादा नहीं था? तुम लोगों का? मेरा तो था, तुम्हें बताया भी था मैंने, इज्जत का मामला है। फिर भी अगर ये शर्त थी तो पहले आपको बताना चाहिए था। पहले क्या बताना चाहिए था, मतलब कौन सी और शर्त रखी मैंने पहले? शर्त? तुम्हारी माँ को क्या कहा था मैंने, ये शर्त है वो शर्त है? जितनी चीजें पहले लेके आई हो जहेज में, वो भी तो तुम्हारी माँ ने खुद ही सोच के भेजा ना कि जरूरत की है, तो गाड़ी के बारे में ख्याल नहीं आया कि जरूरत पड़ेगी? शानी, ये आप किस लहजे में बात करें मुझसे? तो क्या करूं, क्या बोलूं मैं? मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में ना अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी और सबको बोलता रहा मैं कि बीवी आ रही है तो नई गाड़ी लेके आएगी, खुद सोचता रहा कि इज्जत में उसमें घूमेंगे। अभी क्या करूंगा मैं? खामखा मैं तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। मुझे वाकई नहीं पता था कि आप मुझसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं।